ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन जब देखा मैंने, मैं बहुत शॉक्ड रह गया, क्योंकि जो एक्शन लेवल है, जो जिस तरह का सिनेमाटोग्राफी है, जिस तरह का ओवरऑल फिल्म डायरेक्टेड है, मुझे लगता है बहुत ही एक हाई कॉस्ट की फिल्म होगा, एक हॉलीवुड लेवल का फिल्म होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। मैं हूँ अंकिता और मेरे साथ है अरिजीत। हेलो। और आज जो हम दोनों वीडियो रिएक्शन करने वाले हैं वो है जरार फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर। और इसमें है शान शहीद जो इस फिल्म का डायरेक्टर भी है, और काफ़ी दिनों से इसका भी रिक्वेस्ट आ रहा था कि जरार फिल्म का ट्रेलर आप देख लीजिए, तो आज देखेंगे। और शान शहीद का पुराना एक फिल्म है, मैंने देखा था खुदा के लिए, बहुत पहले देखा था मैंने, शायद 2007 में रिलीज़ हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं, उस वक्त मैंने देखा था। शान शाहिद काफ़ी पॉपुलर एक एक्टर है। तो शान शाहिद ने खुद इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, ज़ारार ऑफिशियल ट्रेलर 2020। तो चलिए देख लेते, उसके बाद बात करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस तरह का जो रेगुलर कॉन्टेंट अपडेट के लिए आप नोटिफिकेशन बेल जो आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते वीडियो। You live in Pakistan with a title of failed state, and your job is done. Top three most wanted in the U.S. most wanted terrorists are all in Pakistan. We need another kidman on the first line of defense when we go in and we try to corrupt the government. We use the state and the non-state actors to achieve the country's strategic or political objectives. हम जहादी कश्मीर से क्या, हम जहाद पाकिस्तान से शुरू करना। Cheers to the dark future of Pakistan. कहते हैं अगर अमन चाहते हो तो जंग की तैयारी करो। Zarrar. I was a part of the special unit in the ISI. We are out there to eliminate the threats to the country before they happen. Pakistan is a threat, and we have the right to finish what we can't control. Production value bahut badhiya hai. Kharab kar diye Pakistan ke nuclear material could fall into the wrong hands. You should have confidence that the people around the nuclear arsenal are among the best Pakistan has to offer. पता नहीं कब, कहां और कैसे। I guess that's what love is. Men die, sir. Wars don't die. So what you will do now? Find peace, sir. Find peace. तो फिल्म का जो प्रोडक्शन वैल्यू हो तो बहुत ही बढ़िया है, जो मतलब बहुत ही कॉस्टली हाई प्रोजेक्ट है,
और जो फिल्म का जो एक्शन सीन्स है बहुत ही स्टाइलाइज्ड तरीके से डिज़ाइन किया गया है, मतलब कोरियोग्राफी बहुत अच्छा है, एक्शन सीन्स के जो कोरियोग्राफी है बहुत ही अच्छी तरह से डायरेक्ट किया गया है। और जो मतलब पूरा जो फिल्म स्टार्ट होता है, स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक जो सिनेमाटोग्राफी है फिल्म का, वो भी बहुत मुझे अच्छा लगा। सिनेमाटोग्राफी बहुत ही ऑसम है और हर एक सीन आप जब देखोगे बहुत ही ज़्यादा एक हाई कैनवास में शूट किया गया है, कोई छोटे मोटे फिल्म नहीं है, बहुत ही हाई कैनवास में शूट हुआ है, बहुत ही स्टाइलिश तरीके से शूट हुआ है और मुझे लगता है बहुत ही अच्छी तरह से इसको रिएक्ट किया गया, प्रोडक्शन वैल्यू अच्छा है इसका। और ये पॉलिटिकल स्पाई थ्रिलर है, जैसे कि जेम्स बॉन्ड जैसे मूवी होता है, इंडिया में भी अगर देखें एक था टाइगर या फिर एजेंट विनोद जैसे फिल्म है, वायर स्पाई रिलेटेड मूवी है, जैसे एक पॉलिटिकल थ्रिलर स्पाई मूवी होता है जेम्स बॉन्ड जैसे, तो इस तरीके की मूवी है। इसमें शान शाहिद कुछ ISI स्पेशल एजेंट बने हैं और उनका जो लुक है एक जो प्रोफेशनल एजेंट होता है उसके तरह लग रहा है, बहुत ही स्टाइलाइज्ड लुक दिया गया है उनको, बहुत ही अच्छी तरह से फिल्म को डिज़ाइन किया गया है, लोकेशंस बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली फॉरेन कंट्री में शूट हुआ है लेकिन जो जिस तरह से सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म को बहुत अच्छा लग रहा है देख के, कैमरा एंगल्स बहुत अच्छे, एक्शन सीन्स काफ़ी अच्छा है, तो मुझे तो लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग एक फिल्म होगा, काफ़ी हाई वैल्यू होगा इसका, प्रोडक्शन वैल्यू इतना हाई है तो। हाँ, ट्रेलर देखकर लग रहा है कि मतलब फिल्म काफी अच्छा होगा। और अगर सच बताऊं तो ट्रेलर एकदम एक हॉलीवुड फिल्म का जैसे ट्रेलर होता है, एक जेम्स बॉन्ड की जैसे मूवी होता है उस तरीके का ट्रेलर मुझे लगा, कि एडिटिंग अच्छा है, कैमरा एंगल्स अच्छा है, जिन्होंने भी सिनेमाटोग्राफी किया वो भी बहुत अच्छी तरह से किया है, कैमरा एंगल्स को बहुत अच्छी तरह से लिया है। ट्रेलर देखकर जो सीन मुझे अच्छा लगा वो कार का जो सीन था और एक्शन का कुछ दो तीन जगह मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्टाइलिश तरीके से डिजाइन किया गया, ऐसा मतलब बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक नहीं है, स्टंट्स अच्छे है, जो कार चेस वगैरह या फिर कुछ डायलॉग भी अच्छा लगा, जैसे मैन डाइज वार नेवर डाइज, तो वैसे जो काफी अच्छा अच्छा डायलॉग्स भी है। और शान शाहिद बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्टर है, तो अब देखते हैं स्टोरी कैसा होगा। मुझे अगर मौका मिला तो फिल्म जरूर मैं देखूंगा अगर मेरे पास एक्सेस हुआ तो, क्योंकि बहुत अच्छा, मैं ट्रेलर से काफी इम्प्रेस्ड हुआ हूँ, मुझे काफी सही लगा ट्रेलर। अच्छा। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा बढ़िया ट्रेलर होगा, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन जब देखा मैं बहुत शॉक्ड रह गया, क्योंकि जो एक्शन लेवल है, जो जिस तरह का सिनेमाटोग्राफी है, जिस तरह का ओवरऑल फिल्म डायरेक्टेड है, मुझे लगता है बहुत ही एक हाई कॉस्ट की फिल्म होगा, एक हॉलीवुड लेवल का फिल्म होगा। अब स्टोरी देखते हैं स्टोरी में क्या है या फिर क्या है नहीं है, तो वो तो बाद में पता चलेगा, तो लेकिन अभी तक ट्रेलर देखकर तो बहुत अच्छा, बहुत ही मुझे बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे इस तरह का स्पाई थ्रिलर देखना बहुत अच्छा लगता है, इस तरह का जो पॉलिटिकल थ्रिलर होता है, इसमें बहुत कुछ है देखने के लिए, इंटरेस्टिंग लेवल बढ़ जाता है देखने में, तो इस तरह का जॉनर मुझे काफी पसंद आता है। तो थैंक यू सो मच इस ट्रेलर का रिक्वेस्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। और आपको अगर इस तरह का और भी रिक्वेस्ट भेजना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, फीडबैक कीजिए हमें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा तो, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, इस तरह का अपडेट्स आपके पास जल्दी से पहुँच जाएगा अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।